नौजवानों को ये जो है ना पंगु बना रहे हैं धर्म के नाम पर। जो नौजवान काम करना चाहते हैं, जिसमें कुछ कर दिखाने की पावर है, ये धर्म की आड़ में लेकर के उनकी प्रतिभा को डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के लोग चांद पे तब पहुंचेंगे जब हमारे बुढ़ापे की लाठी तैयार होगी। लेकिन कर्मचारी एकदम खुश नहीं, क्योंकि उनका भविष्य एकदम अंधकार में जा रहा है। हम लोग बनारस से मोदी जी के शहर से आए हैं। इस बार अगली बार हम लोग तन मन धन से उन मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे, इस बार उनको उखाड़ के फेंकेंगे। इसके टाइम में इन्होंने जुमला दिखाया कि इस देश के महामहिम राष्ट्रपति पेंशन ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री पेंशन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे हम सब कुछ कपड़ा दे कर दिया, हम लोग काम नहीं। अरे आज की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य बनाते हैं, सेवा ऐसी में काम करते हैं। वो हवाई जहाज से सफर करते हैं कर्मचारियों की तरह। आज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, इस मुद्दे पर इलेक्शन होगा 2024 में। कि मोदी जी इसकी बार आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, इस बार लड़ ले, उनकी अवकाश समझ में आ जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी हम लोगों की, तो अगली सरकार उनकी आएगी भी नहीं, मोदी जी की तो नहीं आएगी। उनको पेंशन देना ही पड़ेगा, नहीं देते तो उसका क्या करेगा, मुंडी नीचे और पैर ऊपर करेंगे हम लोग। तो इन्हीं से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? पहले भी यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके लोग आए थे, इस बार दोबारा एकत्रित हुए। पिछली बार तो सरकार ने नहीं सुनी थी, इस बार सुन लेगी सरकार? इस बार सरकार को तो सुनना ही होगा, अगर सरकार नहीं सुनेगी हम लोगों की, तो अगली सरकार उनकी आएगी भी नहीं, मोदी जी की तो नहीं आएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आए हैं रामलीला काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के बुढ़ापे की लाठी है, हमको चाहिए जरूर, चाहे कितने भी संघर्ष हम लोग करना पड़े, चाहे मोदी जी की सरकार को उखाड़ना भी पड़ेगा, तो हम लोग जरूर संघर्ष करेंगे। लेकिन सर, हम जो सरकारी कर्मचारी उनको कहा जाता है वो लोग काम नहीं करते हैं, ऐसे मुफ्त का पैसा खाते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो जितने टाइम से टाइमिंग है उतने टाइम तक हम लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोगों का काम अध्यापक हैं तो पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अपने काम के प्रति कामचोर हों। आप लोग लालची नहीं हो रहे हैं ज्यादा पैसों के लिए? लालची कहाँ है मैडम, हम लोग तो अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए। कैसे लालची बताएं? साल भर वो विधायक होते हैं या 5 साल के लिए सांसद होते हैं, तो अपने लिए पेंशन तो फिट कर लिए हैं। हम लोगों के लिए 30 साल 32 साल 40 साल नौकरी हम लोग करते हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं है। सरकार पैसे तो दे रही है, लालची तो हो ही रहे हैं आप। कैसे लालची हो रहे हैं एक बार जान लो, जिस दिन लोग सरकारी कर्मचारी बनते हैं उसी दिन उनका पुरानी पेंशन स्कीम मान्य हो जाता है, यानी जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। जब बताइए आप, एक देश है तो एक पेंशन होना चाहिए। कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एग्रीकल्चर, वन नेशन वन लॉ कानून है। तो जब एक देश है तो एक पेंशन क्यों नहीं होगा? अब बताओ, किस देश के महामहिम राष्ट्रपति पेंशन ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री पेंशन ले रहे हैं, उप प्रधानमंत्री पेंशन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं तभी तो ले रहे हैं। हम काम नहीं करते हैं क्या? मैं अपने काम बता दूं, सुन लो मेरी बात। आज रेल जो चल रही है 24 घंटा का, अगर कोई काम करने वाला है तो रेल है। जो कड़ाके की जब ठंड आने वाली है, स्विच चुभाने वाली हवा चलेगी, फिर भी रेल कर्मचारी, मजदूर, किसान काम करेंगे। 50 डिग्री टेम्परेचर की धूप नहीं, धरती जलती तवा समान, धरती जो है तवा के समान जलती है, फिर भी किसान मजदूर खेत में काम करते हैं। रेल कर्मचारी 50 डिग्री टेम्परेचर पर ट्रैक पर जो पत्थर गर्म हो जाता है, लोहा गर्म हो जाता है, छू नहीं पाओगी। 100 सेंटीग्रेड में जब से पानी उबलता है ना, वैसे जो है लोहा उबलता है, उस लोहा पर रेल कर्मचारी काम करते हैं, तो उस हिसाब से पैसे भी दिए जाते हैं फिर सरकार। 18,000 बेसिक है। हाँ।
मैडम 18,000 आज की कमर तोड़ महंगाई में, जब आज हम चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने विजय हासिल कर लिया, हमने मंगलयान छोड़ चुका हूँ, पूरी दुनिया में हम धाक में जमा चुके हैं, लेकिन हम कर्मचारी को 18,000 रुपया महीना, 600 रुपया रोज का मजदूरी। आप ही लोग तो है, प्राइवेट काम अपना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अब वो जो सरकारी काम होता है वो छोड़ देते हैं, मुफ्त का पैसा लेते हैं। कैसे सरकारी काम कौन नहीं, रेल कैसे, आज मान के चलो आज पूरे दुनिया में रेल जो है भारत का रेल परचम लहरा रहा है। 70,000 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछी हुई है, 15,000 जो है ना रेल इंजन चल रही है, रेल का डिब्बा चल रहा है, 13 लाख कर्मचारी चला रहे हैं, 1 नंबर में डिफेंस है, 2 नंबर में रेल है, तो काम नहीं करते हैं। तो 1853 में जो रेल की शुरुआत हुई थी, आज 2023 में हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भारतीय रेल नहीं पहुँची है। सरकार ने ध्यान दिया, प्राइवेटाइजेशन लाए, तभी तो हुआ है ऐसा। सरकार प्राइवेटाइजेशन जो है, सरकार काम करने में नाकाम है, सरकार निजीकरण कर रही है। सरकार देखो, चाहे वो रेल हो, तेल हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, एयरक्राफ्ट हो, सब किस में प्राइवेट कर रही है। LIC हो, BSNL को खत्म कर दिया, LIC सारा चीज को, सरकार इसको संचालन करने में विफल हो रही है। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने विकास में पैसे लगा दिए, मंदिर बनवाने में पैसे लगा दिए, अब कहाँ से आएगा और पेंशन दे। मैडम जी, हम लोग बनारस से मोदी जी के शहर से आए हैं, इस बार अगली बार हम लोग तन मन धन से उन मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे, इस बार उनको उखाड़ के फेंकेंगे, उनको चुनाव उखाड़ फेंकेंगे, लाल किले में झंडा फहराएंगे। नहीं, बनारस से आज इस बार लड़ ले, उनकी औकात समझ में आ जाएगी, उनकी औकात बनारस से समझ में आ जाएगी कि मोदी जी इसकी बार आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। आप ही लोगों के लिए मंदिर बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हम चाहिए, चाहिए, लेकिन हमारी का नाम से पेंशन बहाल करें, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोगों की बूढ़ी की सहारा चाहिए। शिक्षा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। सुनो, कितनी महंगाई है शिक्षा में, कितना IT कॉलेज खोले हैं, कितना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितना खोले हैं, एक भी नहीं खोले हैं। एम्स कितना खोले हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितना खोले हैं, एक भी सफल नहीं हुआ है। केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस के टाइम में जो है ना बहुत खुलता था, हजारों हजार की संख्या में, इसके टाइम में इन्होंने जुमला दिखाया। आज देखो, इस देश के लोग जो है 60% लोग जो है ना रोजी रोटी के लिए जो है त्राहीमान कर रहा है, रोजगार दे तो रहे हैं इतना, 2,000 का कहां रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, तो मिल तो गया 2 करोड़ रोजगार, 10 गुना 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, इतने 7 लाख इन्होंने रोजगार दिया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 7 ही लाख रोजगार मिल पाई इन्होंने सारा चीज को। हम तो कहते हैं एम्स किसने खोला, आज मंगलयान की बात कर रहे हो, चंद्रयान की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने जो है ना इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम सिंह भाई के नेतृत्व में की थी, आज उसी कॉलेज से, उसी संस्था से आज हमने चंद्रयान भारत को चांद पे पहुंचा दिया है, और आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहुंचा, भारत तो चांद पे पहुंच गया, लेकिन भारत के लोग जमीन पे ही रह गए। भारत के लोग चांद पे तब पहुंचेंगे जब हमारे बुढ़ापे की लाठी तैयार होगी। कल हम 60 वर्ष की सेवा करके जब रिटायर होंगे तो हमें 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। बुढ़ापे में दवा सबसे मस्ट चीज़ है कर्मचारी के लिए। बुढ़ापे में हर आदमी बीमार होता है, अपने परिवार को वो खिलाना तो दूर, मान लीजिए बच्चे नौकरी करेंगे लेकिन मैं स्वयं और अपनी पत्नी को कैसे खिलाऊंगा, इसके लिए हमें पुरानी पेंशन जरूर चाहिए। वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनिए ना आप लोग। आत्मनिर्भर जब हम जवान हैं तब तो हम अपना पूरा समय सरकार को दे दिए, तो बुढ़ापे में हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे ये बताइए। बुढ़ापे में हम कहाँ जाके मजदूरी करेंगे, उस समय तो हमारे हाथ पर दोनों बंद हो चुके होंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है वो लोगों के लिए काम कर रही है, जनता खुश है उनसे। जनता खुश कहाँ, सरकार सिर्फ मुफ्त का राशन बांट रही है उससे जनता खुश है, लेकिन कर्मचारी एकदम खुश नहीं, क्योंकि उनका भविष्य एकदम अंधकार में जा रहा है। इससे पहले भी आप लोग आए थे, उससे तो मोदी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा, आज आप दोबारा आए, लग रहा है कुछ होगा। देखिए, बस ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उखाड़ फेंकेंगे अगर इस बार जो हम लोगों को पेंशन देगी, अगर पेंशन नहीं देगी तो हम लोग उसके अपोजिट वोट करेंगे। हम लोग 1-2 लाख करोड़ कर्मचारी है, उसका असर पड़ेगा 10 करोड़ कर्मचारी पूरे वोट पर। MPA MLA क्यों ले रहे हैं, MPA MLA क्यों ले रहे हैं, MLA क्यों अपना एक एक आदमी चार चार पेंशन ले रहा है, विधायक की ले रहा है, राज्यसभा सांसद की ले रहा है, सांसद की ले रहा है। दो लाइन में बोलना चाहता हूँ, वो चार चार पेंशन ले रहे हैं, एक व्यक्ति ले रहे हैं। मोदी जी खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं।
मोदी जी काम भी तो उतना करते हैं, 24 घंटे का सब कुछ कपड़ा दे कर दिया हम लोग काम नहीं। अरे आज की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, एसी में काम करते हैं, वो हवाई जहाज से सफर करते हैं कर्मचारियों की तरफ। चाय बना चाय बेचते थे पहले, अब तब जाके प्रधानमंत्री वही बोलते हैं ना, तो बोलते हैं आप देखिए प्रधानमंत्री है सचिव, प्रधानमंत्री उनका पूरा सम्मान है। नौजवानों को ये जो है ना पंगु बना रहे हैं धर्म के नाम पर, जो नौजवान काम करना चाहते हैं जिसमें कुछ कर दिखाने की पावर है, ये धर्म के आड़ में लेकर के उनकी प्रतिभा को डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं वो। एजुकेशन की बात होनी चाहिए, आज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आत्म सम्मान सड़क बिजली हर खेत को पानी और हर हाथ को काम होना चाहिए। इस मुद्दे पर इलेक्शन होगा 2024 में। मैं सबसे बड़ी रैली है पेंशन के लिए, एक तीसरी है रैली, वो रैली आप पहले कर चुके हैं, आप बोल रहे हैं उस टाइम तो सरकार ने सुना नहीं, इससे पहले भी लाखों की तादाद में ये, लेकिन जब तक सरकार सुन लेगी तब तक हम हर महीने आते रहेंगे, हम लोगों का रैली होता रहेगा। ये जो रैली में शामिल हुए ना वो सब शेतकरी फार्मर के बच्चे है, गरीब लोगों के गरीब शेतकरी बच्चे है, वो कोई खासदार आमदार के बच्चे इधर रैली में नहीं है। ये कहां से आए आप लोग? हम रायगढ़ से, महाराष्ट्र रायगढ़ से। वो गवर्नमेंट ने झूठ बनाया है सबको। वो क्या कर रहा है, मजा ले रहा है, देख रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तुम जो बोले ना उनको पेंशन देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो उसका क्या करेगा, मुंडी नीचे और पैर ऊपर करेंगे हम लोग। यही प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करेंगे आप लोग? करेंगे कुछ, पहिए नहीं है क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो। हम शेतकरी बच्चों के लोग हैं, कोई बड़े लोगों को कोई आदमी नहीं, हम सब गरीब बच्चे हैं। हाँ हमारी पेंशन बंद की है 2005 साल से उन्होंने, और जो आर्मी में है वो बॉर्डर पे है, वो गरीब फार्मर के बच्चे रहते वो उसको क्या करते है, 4 साल की ड्यूटी बनाए उन्होंने, क्या करने का उसका एक मिशन। तो आखिरी सवाल 2024 में कौन फिर, अगर आपकी सरकार नहीं सुनती है जो पेंशन सरकार को खार फेंकेंगे। सुनो एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, पेंशन नहीं गई उसी को वोट नहीं दिया तो हम बहिष्कार डालने वाले हैं। उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पेंशन हमारी जरूरी है। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारा भविष्य पुराना पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पुराना पेंशन है, बुढ़ापा का सुरक्षा पुराना पेंशन है, जीवन का आधार है पुराना पेंशन, बुढ़ापे की। तो ये थे हमारे साथ सरकारी कर्मचारी जो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन वापस लाओ वरना हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उसी को लेके ये आए हैं। तीसरी रैली है इनकी, अब देखते हैं सरकार इनकी कितना सुनती है, वरना ये लोग कह रहे हैं 2024 में सरकार बदल देंगे। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और देखते रहे जनता आवाज़।